वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होंगे। और भाई आज धूप तो निकल चुकी है काफ़ी, दो तीन दिन के बाद। वैसे डेली थोड़ी बहुत निकल जाती है, वापस नॉर्मल वैसे ही टेम्परेचर हो जाता है। तो आज का सीन काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा है भाई। आज अपने को पहले तो भिवानी जाना है, बिकॉज पोपलू का खाने का सामान खत्म हो गया, प्लस खुद के भी देख रहे हो यार डेली सेम ही कपड़ों के अंदर तुम्हें देखते हैं। तो इस साल की पहली शॉपिंग, और पिछले साल तो की नहीं, 2020 में मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लाइक मेरे कपड़ों से रिलेटेड जो था वही चल रहा था। तो 2021 की पहली शॉपिंग करने आज जाएंगे। थोड़े बहुत कपड़े चाहिए यार, बहुत दिन हो गए इन्हीं को पहनते पहनते। व्लॉग्स के अंदर भी देख देख के तुम बोर हो गए होगे, तो कुछ तो नया चाहिए। पोपलू नो नो पोपलू, ये पोपलू काट रहा है। तो इसका सामान लेके आना है, पहले तो मैं नीचे जाता हूँ, पूछता हूँ कोई साथ में जाएगा या नहीं जाएगा। तो फाइनली गाइस हम चल पड़े हैं, मैं और सुमित ही जा रहे हैं, और तो कोई नहीं जा रहा। और वैसे भी बाइक पे दो जनों के अलावा और जाएगा भी कौन। तो जल्दी से चलते हैं और लेट्स गो करते हैं सारी। I've been up for three nights, my eyes are bloodshot red, damn I wanna see the sunshine, it's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. Somewhere in there, there's a good guy, but he runs away. ने थोड़ा सा बाइक में पेट्रोल डलवाया, बिल्कुल खत्म ही हो गया था। ऐसे मान लो घुर घुर करके चल रही थी। तो अभी अपने से मतलब हम जूही पहुंचे हैं, लाइक 8-10 ही किलोमीटर कवर किया अभी तो हमने, बहुत दूर पड़ा है। इसी को मैं फोन देता हूँ, ले पकड़। तो भाई हम दोनों चल पड़े हैं, जाके आते हैं जल्दी से भी आनी और शॉपिंग करके आते हैं। और सर्दी भी है आज तो, पीछे धूप भी निकली हुई है थोड़ी थोड़ी, इतनी ज्यादा धूप नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलते हैं फिर, हमने 20 किलोमीटर तो आराम से तय कर ही लिए होंगे अब तक, पर बाइक पे सर्दी भी बहुत ज्यादा है तो तेज चला नहीं सकते। My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight. तो अभी हम पहुंच तो गए हैं, बट अभी हमें वेट से सलाह लेनी है। अभी कुछ पोपलू के लिए थोड़ी मोटी दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है, तो पहले वो पूछते हैं, प्लस उसका खाने का भी, कुछ वो 2 महीने का हो गया है। तो चलो वेट के पास चलते हैं। और भाई यहाँ तो चारों तरफ की चढ़ाई की चढ़ाई, 15 दिन के बाद होता है ना ये तो। और अब 2 महीने का हो गया, तो खाने में क्या दें उसको? अभी क्या दे रहे हो? अभी तो उसको रॉयल कैनन का स्टार्टर और सेरेलेक्ट था हमारा, मतलब मैक्सिमम काम डन हो चुका है। वेट के पास जाना था पोगलू के लिए, वो भी डन हो चुका है। अभी जस्ट यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ खाने पीने का सीन कर रहे हैं और उसके बाद निकलते हैं। बिकॉज भाई बारिश का मौसम होने लग रहा है, लाइक बारिश किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है, ऐसा मौसम हो चुका है। अगर बारिश आ गई तो हमारे अंदर कोट हो जाएगा एक टाइम से, बिकॉज एक तो सामान हो गया, पोगलू का खाने का सामान है, सब कुछ भीग जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे हम। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकलने की, बस हमारा सामान आ रहा है, खाते हैं एंड देन निकलते हैं जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा हो सके। दो मिनट के रुके थे और यहाँ का व्यू देखो भाई, मैं तो मतलब ऐसे ही हमने सोचा, काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते, तो 2 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। पता नहीं पीछे की तरफ क्या है, लाइक मैं मतलब भिवानी देखो आता जाता रहता हूँ, बट यहाँ पे पहली बार रुक के मैंने देखा पीछे कुछ तो ऐसा सीन है, लाइक दूर तक ऐसे फैला पड़ा है, खाली है, शायद गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पता नहीं क्या सीन है जो भी है, बट काफ़ी गजब भी है। और सुमित पीछे मेरा इंतजार कर रहा है, उसको मैंने कहा तो 2 मिनट रुक, उसको इंटरेस्ट नहीं है भाई, उसको सिर्फ घर पहुंचना है, क्योंकि बिल्कुल परेशान हुआ पड़ा है, सारा सामान पीछे बाइक पे पकड़ के चल रहा है, तो समझ सकते हो यार बुरा तो लगेगा। और पता नहीं यहाँ पे कोई सोता है क्या, शायद रात को कुछ तो है यहाँ पे, जो भी सेफ्टी के लिए है। बट चलो हम चलते हैं यार, ज़्यादा इंतजार मतलब शाम हो जाएगी ना ज़्यादा, फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ठंड के अंदर फिर चलना तो तुम्हें पता है बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। बीच रास्ते में स्कैम हो गया हमारे साथ, हमारा सामान गिर गया, सुमित सेठ जी लेके आ रहे हैं, जल्दी से आ जाओ भैया जल्दी से आ जाओ। ये पट क्यों कर दो, हाउ इज दिस फिटिंग? तो अब डालने किस में इसे को, यही पट गया, ये तो लिपड़ की पट गया, डालना क्यों कर फिर अंदर। एक
बार फिर से हम हिम्मत करके हमने इसके अंदर डाल दिया और ये भाई इसने थोड़ा घर पे जाके बताता हूँ यार क्या लिया है। और वो वाली थैली तो फट के भाई गायब ही हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी वापस निकलते हैं। अब ये थैली फटगी ना भाई हमारे अंदर तखड़े वाला कोट हो जाएगा बाद में, तो पता नहीं हम घर पे कैसे पहुंचेंगे। तो चलो चलते हैं इसी थैली को लेके। पब्लो 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 बस 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 तो इट्स 5:30 PM इन द इवनिंग और हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। मैं नहा धो के भी रेडी हो गया और भाई नहा धो के रेडी तो होना ही था बिकॉज आज नए कपड़े लेके आए थे पहन के देखने थे। लाइक 2020 पूरा मैंने विदाउट लाइक न्यू क्लोथिंग की कोई बाइंग करने में मतलब एक भी मतलब नहीं खरीदा मैंने, ऐसा नहीं बड़ा ही मत समझना। 2020 में तो वही बताया यार कैसा सीन था, बाहर जाने का कोई बना नहीं, तो मैंने सोचा 2021 से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरे को एक महीने पहले खरीदना था ये सब क्योंकि जब सर्दी स्टार्ट हुई थी, बट कोई बात नहीं है आ गई अब दिक्कत नहीं है। और पब्लू सेठ हमारा इंतजार किया भाई, इसका काफ़ी ओपी रिएक्शन था जब ये आया था, और क्योंकि यार आज मैं पहली बार लाइक जब ये आया था 12-13 दिन हो चुके इसको, तो 12-13 दिन में आज पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लू को मैंने इतनी देर अकेले छोड़ा है, वरना हमेशा मेरे साथ ही रहता है सारा दिन। तो अभी पब्लू नो कैसी ना, क्योंकि आपको पता होगा आजकल जब मैंने पीसी लिया था तो मेरे पास जो अपना लैपटॉप था वो सुमित ने रख लिया, मतलब रख तो क्या लिया साथ में, मतलब खेलता रहता है, मेरी भी हेल्प कर देता है कभी थोड़ी बहुत एडिटिंग में कर देता है, ऐसे कर देता है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता था। इसको काफ़ी दिन हो गए कहते कि भाई मेरे को एक माउस ला दे कंप्यूटर, मतलब इसके लिए तो मैंने ये थोड़ा सा कीबोर्ड लिया आज इसी के साथ लिया, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था बट लिया। तो ये ले भाई मेरे हाथों से, तेरे हाथों में थैंक यू तो कहते एटलीस्ट। हाँ जतिन, जतिन को जतिन थैंक यू बोलेगा, थैंक यू न्यू जतिन बोलते थैंक यू वेलकम वेलकम, तू भी बोला बे। तो देखो भाई इसको ये वाला दिया, पता नहीं नॉर्मल है यार, ऐसी कोई खास नहीं था वहां पे, मतलब हमारे जो भी अवेलेबल था ठीक है वायरलेस है। और इसी के साथ ये भाई पोपलू का खाना मैन जो हमने जिसके लिए हम गए थे, लाइक हमारी चीजें तो चलो थी बट पोपलू का खाना मैन था बिकॉज जो इसका लास्ट खाना जो भी था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, लाइक बचा ही नहीं था उसके अंदर। तो इसको अब की बार जैसे वेट से सलाह लेके बताना आप सभी को, अगर आपको भाई थोड़ा बहुत भी डॉग स्किन हो जाए तो। वेट ने मेरे को ये सजेस्ट किया था पैप मतलब पप्पी मैक्सी जो कि 2 महीने से 15 महीने तक हम दे सकते हैं पप्पी को, बताना आपको ये सही है गलत है, मेरे को नहीं पता यार बिकॉज आई एम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, तो जैसा भी है ठीक है। तो चल फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते भाई जल्दी से, कैसे निकलते हैं ये वाले। मम्मी जी खाना बन गया? क्या बना है आज खाने में? गाजर मेथी की सब्जी है आज। वैसे तो मैं और सुमित दोनों बाहर खा के आ गए थे वो पकौड़े। खाना मन भी कर रहा है नहीं भी कर रहा, दोनों बातें हैं, थोड़ा सा तो खा ही लेंगे। पोपलो मम्मी को मत खा यार, दोनों भाइयों को खाना नहीं मिलेगा पक्का कह रहा हूँ, कल दोनों भूखे सोएंगे। हाँ ये गले में पट्टा पहनाने के बाद देखो मम्मी जी खास खोल रहा है। पट्टा तो कहला है कि एक टाइप से अड़का सा है, बिल्कुल बिल्कुल जो सबसे अड़का था ना उसके पास वो लेके आया मैं, बिल्कुल हाँ फैशन में बिल्कुल अड़का दे दे भाई। तारो पप्पू बेटो फैशन मारो कि मैं उनकी हो नहीं पापू नहीं नहीं एक होते हैं डोगू और एक होते हैं हमारे पोपलू जी, इनका सोना तुम देखो एक बार, ये ढकने का है जो इसका मतलब चद्दर है, रात को अगर सर्दी ना लग जाए तो ये मैंने अच्छे से ढक दी थी पहले आराम से सोया हुआ था, धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह निकलता निकलता देख रहे हो कैसे आ रहे हो, और सिर देख रहे हो किस टाइप से लेट रखा, मतलब एक बार दूर से कोई आने वाला इसको देख लेना मुझे सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा ओ माँ ओ की देख लियो, लाइक इस टाइप का सीन भाई देख तो ना यार कैसे लेटा पड़ा है, लाइक किसी ने किसी को भाई किसी को मार के नहीं पीट के मतलब बिल्कुल लेटा देते हैं वैसे वाला सीन पड़ा है। और भाई क्या ही नशे है भाई पोपलू सेठ की जिंदगी, अब इसको कुछ कर तो सकते नहीं, हम जैसे सोएगा इसका राजा ठीक है सह लेंगे थोड़ा। तो चलो मैं भी सोता हूँ, और कैसा लगा वो लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मिलेंगे ना वो लोग के साथ, तब तक इस वो लोग को लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी तक नहीं किया तो।